तो बात करो उगामे मूवी की, तो फिर से साउथ इंडिया से इंडियन मूवी में रिवोल्यूशन लाएगी ऐसे एक मूवी आई है। मूवी का नाम है गामे। अब गामे जो है एक अगोरा की स्टोरी है, और अगोरा के ऊपर कहानी आप क्या ही सोच सकते हैं। आपको तंत्र मंत्र करते हुए अगोरा को दिखाया जाएगा, और वेस्टर्न मीडिया या फिर वेस्ट कंट्रीज के वजह से अगोरा को बहुत गलत नजर से दिखाया जाता है। तो अगोरा की एक ब्यूटीफुल साइफाई मूवी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेगी, लेकिन इसकी स्टोरी यही है। गामे जो है एक शंकर नाम के इंसान की कहानी, जो अगोरा है जो जख्मी है, जख्मी हो जाता है केवल, और उसे एक रेयर कंडीशन है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो एक जर्नी पर निकल पड़ता है। वो कंडीशन है वो कोई भी ह्यूमन टच एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, और इसे क्योर करने के लिए या फिर इसको ठीक करने के लिए वो निकल पड़ता है। आगे उसे दो और कैरेक्टर मिलेंगे जो उसके भाग्य में लिखे है, और कैरेक्टर का नाम शंकर है। तो आप समझ चुके होंगे अगोरा शंकर यानी महादेव तो आशीर्वाद रहेगा ही इस कहानी में, और महादेव को आशीर्वाद से वो कुछ शायद मुझे लगता है लोगों की भी मदद कर दे, मतलब महादेव जी ने उसे वहां पर भेजा होगा, ये उसका भाग्य ही था उस लोगों की मदद करे। साइफाई टच भी दे इसमें जो मुझे बहुत बढ़िया चीज लगी। एक मूवी आपने बहुत सुनी होगी फेमस, ड्यून मूवी। अब उस मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया, और मैं कहूंगा कामे मूवी की सिनेमाटोग्राफी माइंड ब्लोइंग। मतलब आप बजट कंपेयर कर लो, हॉलीवुड की लेवल के मूवीज का बजट को कंपेयर कर लो, वाकई सबसे कम बजट में बनी हुई मूवी जो मानी जाती है 60 मिलियन यानी 300 करोड़ के आसपास। और नॉर्मली CGI या फिर VFX मूवीज, ये जो साइफाई ये सब जॉनर रहते हैं, उनके लिए ये कम से कम 800,000 करोड़ बजट रहते ही है। अब यह मूवी किस बजट में बनी है उसका अभी तक पता नहीं, लेकिन इतना शोर हूँ कि बजट बहुत ज्यादा नहीं होगा, और उस हिसाब से काफी अमेजिंग एफर्ट डाले। मतलब एक शॉट है, लिटरली मेरा फेवरेट शॉट है, इसमें मंदिर दिखाया जाता है। मतलब वो जो शॉट था इतना ब्यूटीफुल था, मेरे आंखों में छप चुका है वो शॉट। और आप ट्रेलर लगा लो, रैंडमली ट्रेलर के स्क्रीनशॉट निकालते जाओ, आपको हर एक फ्रेम इस ट्रेलर की एक पेंटिंग की तरह लगेगी, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो सबसे पहले सिनेमाटोग्राफर जो भी उसकी तारीफ बनती है, उसके बाद जिसने भी इसके कलर ग्रेडिंग लाइटिंग इन सब चीजों के ऊपर काम किया है, और ऊपर से लोकेशंस, ओवरऑल ना CGI VFX स्टोरी में भी दमदार ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है। और मैं फिर से तारीफ करूंगा यार, हॉलीवुड लेवल मूवी इतने कम बजट में लाना अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। और ये मूवी तेलुगु इंडस्ट्री से, जो एक्टर है आपकी जानकारी के लिए बता दो, वो भी बहुत बड़े एक्टर है, अर्जुन दास विश्वक सेन इनका नाम है, और इन्हें मास्का दास ऐसा कहा जाता है तेलुगु इंडस्ट्री में। लेकिन इन एक्टर के आप कोई भी मूवी उठा कर देख लो, कोई भी मूवी आपको पसंद आएगी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहते हैं, लेकिन हर एक यूनिक रहती है। मतलब कोई भी मूवी देख लो आपको एंटरटेन करेगी, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट सिलेक्शन रहता है इनका। और बहुत जल्दी मूवी आ रही है, 8 मार्च को ही आ रही है, तो मुझे लगता है पैन इंडिया पर ला रहे हैं, और पैन इंडियन लेवल मूवी है ये। तो सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखें, जो ब्रह्मयोगम के साथ उसके फिल्म मेकर्स नहीं कर पाए, हिंदी में अच्छे शोज ने इस मूवी के लिए स्क्रीनिंग ज्यादा रखे, स्क्रीन ज्यादा रखे, और हिंदी में लाई ये मूवी प्रमोट करे नॉर्थ में। और नो डाउट अगर इसका दूसरा पार्ट आने वाला है तो ये मूवी बहुत बड़ी बन सकती है। मतलब KGF 1 भी हिट नहीं हुई थी, लेकिन OTT TV इन सब पर देखकर लोगों ने बाद में पसंद किया। तो ट्रेलर से मुझे इस मूवी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि कुछ तो अमेजिंग देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं कहूंगा, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बढ़िया था, एवेंजर एंड गेम्स से इंस्पायर कर लो नहीं तो उस जैसे वाइब्स दे रहा था। लेकिन मेकर सच में एक अच्छी साइफाई मूवी लाने चाह रहे, ऐसे ही नहीं बनाने के लिए बना रहे ओमराव के आदि पुरुष जैसे, मेकर सच में सीरियस है एक अच्छी मूवी लाने के लिए, ट्रेलर से इतना पता चल रहा है। आपके क्या ओपिनियंस है वो कमेंट करके बताओ।